वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अश्विनी श्रीमाली टैग। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर इन 2024। जी हाँ गाइस, रोज के करीब इंडिया में आपको पता है कितने यूट्यूबर आ रहे हैं? डेली के 5 to 6 lakh क्रिएटर्स रोज अपना चैनल बना रहे हैं और कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 जने ही सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं जाके आगे जाके वो रुक जाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी, इसलिए मैं आज कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ यूट्यूब के बारे में, और मैं मेरी अर्निंग भी बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो के बीच में कभी भी मैं अपनी अर्निंग बता सकता हूँ, तो वीडियो को देखना पूरा और अच्छे से समझना कि आपको कैसे सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, और 100% आप बनोगे, डेफिनेटली आप बनोगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो का, लेके प्रभु का नाम। तो अब देखो पता है कि अपने को वीडियोस बनाना है, लेकिन अब क्या बनाओ? ये लो कैमरा हो गया स्टार्ट। अब कोई नया बंदा फ्रेश, मेरे जैसे कोई फ्रेश है, मतलब कोई फ्रेश बंदे को लाके मैं यहाँ खड़ा कर दूँ, तो वो किस टॉपिक पे क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल सकता यार वो। तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कॉन्फिडेंस। जी हाँ गाइस, अपने आप में लाओ एक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? कॉन्फिडेंस ये वीडियो इससे बनाने को नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपका, आप रील्स बनाओ पहले। जी हाँ गाइस, जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स नहीं होते आज फिर तुम पे, तो उस पर आप लिपसिंग करो, गाने गाओ, मतलब ऐसे बड़े बड़े होठ खोलोगे ना, तो अपना आप फिर अपना रील्स पे आएगा आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आने के बाद आप फिर अपने यहाँ पर आओ यूट्यूब पे, वो शॉर्ट्स अपलोड करो। 4 दिन ऐसे ट्राई करो, 5वें दिन डेफिनेटली आपकी जो रील्स में होगी ना वो और अच्छी बनेगी। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग वीडियो में। तो लॉन्ग वीडियो में आप सबसे पहले चूज करो अपनी निश। जी हाँ गाइस, सेकंड जो टॉपिक है वो है निश। अपनी निश सेलेक्ट करो कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। आपको अगर अर्निंग करनी है यूट्यूब पे, तो किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अर्निंग है, किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रुपए हैं, ये आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आगे चले गए और उस कैटेगरी में आपको, तो वापस वो पीछे नहीं आ सकते। एक बार अगर आप उस गली में घुस गए, एंड तक आगे जाके पता चला कि वो गली तो एंड हो गई, तो अब आप वापस आके और फिर आप स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो सेकंड नंबर आ गई निश। अगर मान लो, चलो टॉपिक बताता हूँ मैं आपको कुछ, आपका चैनल है ट्रैवलिंग, तो आप सबसे पहले अपना चैनल का नाम लिखो, ट्रैवल विद अश्वनी, ट्रैवल विद शिवानी, ट्रैवल विद मुस्कान, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले अपना नाम सेलेक्ट करो। अगर आपकी निश ट्रैवलिंग है, घूमना फिरना आपको पसंद है, तो आप वो सबसे पहले अपना नाम लिखो, ताकि वो जो नाम है वो सर्च में जाएगा बार बार, उससे आपके आएंगे व्यूज़। ओके, ट्रैवलिंग होगी। अब ट्रैवलिंग में आपको पता है ये व्लॉगिंग, तो व्लॉगिंग में मैं बता दूं गाइस, सबसे कम रुपया है। जी हाँ गाइस, वहाँ का जो RPM है ना वो 0.10, 0.15 ऐसा आता है। मतलब मान लो अगर आपके व्यूज आएंगे ना 6 से 7 हज़ार, तब जाके $1 बनेगा। तो बी प्रिपेयर्ड, अगर आपको अर्निंग में ज़्यादा फोकस नहीं, हाँ पैसा बनेगा, लेकिन वो आपके 1-2 लाख होने चाहिए व्यूज हर वीडियोस पे 30 के 30 दिनों में, तब जाके आपका कुछ अच्छा अर्निंग बनेगा। जी हाँ, तो हो गया ये निश। अब बात करते हैं अपन सेकेंड टॉपिक जो कि है, सॉरी एक दो पॉइंट और मैं बता देता हूँ इसी में। जैसे ट्रैवलिंग हो गया, तो मैं आपको बता दूं पहले, अगर आपको YouTube पे अर्निंग भी करनी है और अपना वीडियो वायरल भी करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है टैग। टैग में आप आइए, अपने कुछ टिप्स दीजिए, एजुकेशन के वीडियोस बनाइए। एजुकेशन और टैग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे हैं जिसमें RPM भर भर के फुल कुट कुट के है। मतलब अगर आपके व्यूज़ से 500 आए ना, 500 में भी $1 बन जाता है, वहाँ पे 7000 में भी $1 नहीं बन रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जरूरी नहीं हर बंदा हर महीने, ये क्या आया, हर महीने वो अर्निंग करी थे, मतलब $100 करने में कईयों को 4-4 महीने भी लग जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ स्टार्टिंग में। तो ठीक है, हो गया निश। और फिर अब आज इंडोर अगर कोई वीडियो बनाता है, तो रखो लाइटिंग। अभी मैं आपको लाइटिंग में फुल डेमो बताने वाला हूँ। ये मेरा रूम है, ओके, अब मैं इसमें लाइटिंग कम कर देता हूँ।
रिंग लाइट है, ये रिंग लाइट है, ट्यूबलाइट बंद कर दी। अब आपको ये कैसा लग रहा है? एकदम थर्ड क्लास, बेकार, लो क्वालिटी हो गई। तो मेरा ये वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करेगा, वापस चालू कर देता हूँ। लेकिन अब मैंने मेरे वीडियो में डाल दी थोड़ी सी जान, और बैकग्राउंड आपको पता है ब्लर कैसे हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो फ़ोन है वो मेरा फ़ोन है आईफोन 14 प्रो, और आईफोन 14 प्रो में मैं बना रहा हूँ इंस्टाग्राम फिल्टर यूज़ करके। इंस्टाग्राम फिल्टर में आप ऊपर से अगर नीचे करोगे स्क्रॉल तो वहाँ पे एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलेगा, वो ये वही ऑप्शन है। तो मतलब फिल्टर, आईफोन, लाइटिंग, ये सब मिला के थोड़ा रिजल्ट जान आ गई इसमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपका थंबनेल। जी हाँ गाइस, आपको थंबनेल कुछ इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। ये कुछ मेरी थंबनेल है, सैंपल है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब इसमें भी मैं अपनी और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो नंबर वन पे आता है गाइस वो थंबनेल आता है। अगर आपका वीडियो मेरे सामने आया, वो सामने आते थंबनेल दिखाएगा, पहले वीडियो नहीं दिखाता है, पहले थंबनेल दिखाता है। थंबनेल ही मेरे को पसंद नहीं आएगा तो मैं क्यों क्लिक करूँ, मैं तो चला जाऊँगा, मैं क्यों क्लिक करूँ, मेरे को नहीं इंटरेस्ट है। तो ठीक है, हो गया फोर्थ पॉइंट थंबनेल। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है, रुको, हाँ मैं क्या कुछ लिख के रखता हूँ ऐसा। तो अब जैसे अगर आपने, मैंने बताया आपको ट्रैवलिंग का है, मैं व्लॉगिंग वीडियो बना रहे हो, तो व्लॉगिंग में आप अपने कुछ ऐसा बताओ जो मतलब बाकी लोग नहीं बता पा रहे। मतलब जैसे सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं ना, आप राजस्थान में हो तो आप मारवाड़ी बात कर रहे हो, अपनी जो खुद की जो ओन लैंग्वेज है, पंजाब वाले हैं तो पंजाबी में बोलो, तो उससे क्या होना, बहुत मतलब अट्रैक्टिव होता है थोड़ा पीपल्स। हिंदी में तो लाखों लोग बना रहे हैं, आप भी उस भीड़ में घुस जाओगे तो फिर क्या मतलब, ठीक है। फिर आ जाओ आप एडिटिंग एंड वीडियो टाइटल्स वगैरह सब। एडिटिंग में आप एप्लीकेशन यूज़ करो इनशॉट, VN, काइनमास्टर, ये सब तो नंबर वन पे चल रहा है। मैं जो 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ वो है इनशॉट। इनशॉट पे मेरे को A to Z फुल एडिटिंग आती है सारी। वीडियो को यूँ फेंकना है, यूँ लाना है, करना है, सब कुछ आता है मेरे को उसमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं फिर पॉइंट जो है कैमरा क्वालिटी। अब हर कोई यार DSLR से तो स्टार्ट करेगा नहीं, बिकॉज मैंने भी स्टार्ट नहीं करा था, मैंने स्टार्ट करा था मेरे सैमसंग फ़ोन से। हमेशा आप जब भी वीडियो बनाओ, इंडोर चाहे आउटडोर, आप रखो टाइमिंग शाम को 4 से 6 बजे का, वो सबसे बेस्ट रहता है। सनलाइट रहती है थोड़ी थोड़ी और अच्छा रहता है। और फिर अब आज जैसे अब तो बहुत कुछ ऑप्शन आ गए, रिंग लाइट आ गई है, और लाइटिंग रख दो बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत, इंस्टाग्राम फिल्टर यूज़ कर लो, और अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो आईफोन कोई भी यूज़ कर सकता हो, कोई आजकल तो सबके पास आईफोन है। तो अपनी कैमरा क्वालिटी और अपना जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अच्छा रखो, थोड़ा ऐसे घूमते रहो फिरते रहो, बातचीत करते रहो, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टिंग ब्लॉगर कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। मान लो मैं हूँ फ्रेशर, मैं आया हूँ ये जगह बताने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मतलब एग्जाम्पल के लिए, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है सोनी श्रीमाली और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जोधपुर राजस्थान में, और ये देखिए सब ये यहाँ पे वो, अरे यहाँ पे वहाँ पे क्या कुछ बोलते सरी, क्या बोले आगे बंदा, क्या बोले, नॉलेज ही नहीं उसको भी, आगे क्या बोलूँ, क्या बताना आया हूँ, 10 मिनट का वीडियो बनाना है, 30 सेकेंड में लाइन ख़त्म हो जाती है, क्या बोले, ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस, और सोचो उस जगह के बारे में आप क्या बताना चाहते हो, कोई भी टॉपिक जैसे टॉपिक मार सोचो। 6th पॉइंट अपना जो हो रहा है वो है YouTube SEO। जी हाँ गाइस, आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए SEO के बारे में, कि टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, टैग्स क्या होता है, हैशटैग क्या होता है, और अगर वीडियो में एंड स्क्रीन लगानी तो क्या होता है, आई बटन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप यूट्यूबर बन सकते हो। आप डायरेक्ट वीडियो बनाया डाल दिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, SEO बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लंबा लंबा लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में, वो टाइटल का डिस्क्रिप्शन में डाल दो, फिर सेकंड लाइन लिख दो, हे वेलकम गाइस, वेलकम अबाउट, डिस्क्रिप्शन में डाल दो कि भी मैं वीडियो किस बारे में बना रहा हूँ, हैशटैग लगा दो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसा बोलो, ठीक है। SEO पे वर्क करो अच्छे से, समझो, एक दो वीडियो देखो यूट्यूब पे SEO क्या होता है, कैसा होता है, और कमेंट करके बता दो, मैं भी अपना SEO बना के बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको फुल डिटेल में बता दूंगा कि SEO क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं मेरी अर्निंग की। तो मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बता रहा हूँ, जो कि मैंने मेरे जो एक शॉर्ट वीडियो था उसमें मेरे आए थे 25 मिलियन व्यूज़, तो उसका मेरे को रेवेन्यू कितना मिला शॉर्ट में वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा उसका स्क्रीन शॉट नीचे। लास्ट पॉइंट जो है अपना 7th, वो है नोइंग हाउ द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क।
एल्गोरिथम जो वर्क है यूट्यूब पे, वो आपकी वीडियोस पे कैसे वर्क करता है? वो वर्क करता है, मैं आपको हजार बार बता चुका हूँ, वो वर्क करता है जैसे मेरा ये वीडियो है, मेरा वीडियो पे अगर जितने लाइक आएंगे, जितने कमेंट होंगे और जितने शेयर होंगे, उस हिसाब से मेरा जो वीडियो एल्गोरिथम यूट्यूब चक्री चलाएगा और फिर फेंकेगा। इसलिए कहते हैं लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हर यूट्यूबर ये इसलिए ही कहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। तो बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय।